गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में अपन बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 12 में हम एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे अलोंग एनी कर्व। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा इंटीग्रेशन आप देखते ही रहोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत करवाए। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ -2 प्लस आयोटा से 5 प्लस 3 आयोटा जेड टू डी जेड। अब मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बताना था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए, इस क्वेश्चन की यदि मैं ज्योमेट्री बढ़ाऊं तो ज्योमेट्री कैसे बढ़ेगी। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास में, इसकी अपन ज्योमेट्री बढ़ाएं। मान लीजिए ये आपके पास में y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कहां से के -2 प्लस आयोटा, अर्थात ये कहीं पॉइंट यहां पर होगा आपके पास में। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान -2 और y का मान 1, ठीक है। और 5 प्लस 3 आयोटा मतलब 5, 3, x का मान 5 और y का मान 3, तो ये कहीं कहीं पॉइंट यहां पे होगा आपके पास में। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास है पॉइंट ए है, ये आपके पास है पॉइंट बी है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, 3। इस पथ के अलावा अपन को इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ये आपको बता देता हूं, इमेजिनरी एक्सिस है, हालांकि बताया हुआ है फिर भी। और ये आपके पास में रियल एक्सिस। अब देखिए, मैंने आपको एक पिछली बार क्वेश्चन करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन था। अब उसके दो पार्ट थे, दो पार्ट होने का मतलब ये है कि उसको अपन ये -2, 1 से 5, 3 है, तो इसका अपन कब निकाल सकेंगे इंटीग्रेशन, जब अपन को इस लाइन का इक्वेशन पता हो, या फिर अपन ऐसे करते हैं कि मैं इसको यहां से ले जाता हूं आपके पास में एक ऐसे पॉइंट पर जहां से ये पॉइंट आपके पास में मिल जाता है, अर्थात ये पॉइंट। अब x के मान में कोई परिवर्तन नहीं, x के मान में परिवर्तन है, x का मान 5 और y के मान में कोई परिवर्तन नहीं, ये हो गया 5, 1। ठीक है, अब मैं यदि इस पथ के अनुदिश इधर जाऊं और फिर इधर जाऊं तो अभी यहां पर पहुंच रहा हूं। लेकिन अब यदि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से कहता तो अपने इसमें डिफरेंस क्या है कि मैं यहां से सीधा यहां जाऊं या फिर यहां से यहां जाके फिर यहां जाऊं। मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो देखिए डिफरेंस है वो फंक्शन पर डिपेंड करता। यदि फंक्शन एनालिटिक है, बात सुनना, यदि फंक्शन एनालिटिक विश्लेषिक है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो उत्पाद से इंडिपेंडेंट होता है, पथ से स्वतंत्र होता है, पथ पर उसकी वैल्यू निर्भर नहीं करती है। अर्थात मैं ए से बी तक सीधा करूं या फिर ए से ओ तक जाऊं और ओ से बी तक जाऊं और इन दोनों को ऐड करूं तो दोनों तरफ से अपन करेंगे, दोनों कर्व के अनुदिश इंटीग्रेशन की वैल्यू बराबर आएगी। कब? जब फंक्शन आपके पास में एनालिटिक है। और यदि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो यहां से मैं यहां तक सीधा यदि जाता हूं तो वैल्यू अलग आएगी, और यहां से यहां तक जाऊं और इसके साथ में इसको ऐड करूं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग आएगी। हालांकि दोनों वैलिड है, लेकिन जब फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो दोनों पाथ के अनुदेश इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। हालांकि अपन जा रहे हैं ए से बी तक ही, लेकिन पथ चेंज कर रहे हैं। तो जब आपके पास में फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन है वो पथ पर डिपेंड करेगा, तो जो लंबा पथ होगा उसके अनुदेश इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग आएगी और जो शॉर्ट होगा उसके अनुदेश अलग आएगी। अब मेरी बात सुनो, अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी तो लिखता नहीं है लेकिन कभी कभी लिख देता है, जैसे इसी क्वेश्चन को दो पार्ट देता है। क्या देता है? पहला पार्ट ये देता है कि -2, 1 से 5, 3 सरल रेखा पर। तो अब तो आपको इस रेखा पर करना पड़ेगा, और एक बार ऐसे भी कह सकता है -2, 1 से 5, 1 तथा 5, 1 से बाद में 5, 1 से 5, 3। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी -2, 1 से 5, 3 जा रहा है और -2, 1 से 5, 3 जा रहा है, लेकिन इसका पथ ये है और इसका पथ यहां जाके ये है। तो जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो इसी इंटीग्रेशन के आपको दो पार्ट देगा, एक तो सरल रेखा के अनुदिश,
एक बार स्केल दिस प्लस स्केल दिस, तो जब फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इन दोनों टाइप की इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी, और जब फंक्शन एनालिटिक है तो दोनों मेथड से दोनों कर्व के अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। तो मेरे को यही बताना था इस क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों आता है। कभी कभी तो अपन इसको इसके एलबिस और इसके एलबिस कर देते हैं, और कभी कभी दोनों पार्ट के अंदर करते हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे मैं आपको इंटीग्रेशन बताता हूं, जीरो से वन प्लस आयोटा जेड डी जेड, जीरो से वन प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड। ये जेड जेड स्क्वायर जेड क्यों, क्या है फंक्शन एनालिटिक है, इट मीन्स इसके इंटीग्रेशन साइन अपन इस पथ के अंदर करो या फिर सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर करो, एक ही आएगा। क्योंकि जीरो से वन प्लस आयोटा इसका मतलब क्या है, ये जीरो है और ये वन कोमा वन है, ये लाइन है। तो मैं सीधा इस लाइन के अंदर जाऊं या फिर पहले यहां से इसको मिला लिया इधर जाऊं और फिर इधर जाऊं, तो दोनों पथ के अंदर यहां से यहां तक जाऊंगा तो भी वैल्यू वही आएगी जो कि यहां से यहां तक जाऊंगा जब फंक्शन जेड या जेड स्क्वायर है। लेकिन यदि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इन दोनों की वैल्यू इसकी अलग अलग आएगी और इसकी भी अलग आएगी, ठीक है। मेरा यही कंसेप्ट था, आपको ये बताना था कि आप कब है वो सीधा करते हो और कब सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको इसकी थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूं एक बार ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो अपन यहां सॉल्यूशन को लेके बात करेंगे। हियर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यू इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ जेड, देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ या ऑफ पाथ, ठीक है, कि वो पथ से स्वतंत्र होगा। दैट इज If we integrate any path, if we integrate any path, the value of integration remain same, ठीक है। तो ये थ्योरी थी, थ्योरी बतानी थी, बाकी मुझे कोई काम नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको यहां से यहां तक भी ले जाऊंगा और यहां से यहां तक भी ले जाऊंगा, दोनों की वैल्यू में सेम लाके बताऊंगा आपको। और यदि मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले करवाया था, शायद इसके जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया था सेकंड या थर्ड लेक्चर था, तो एक सरल तरीका का करवाया था जिसके मैंने तीन पार्ट करवाए थे, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में करवाया था, एक सीधी सरल तरीका के अंदर और एक ऐसे और ऐसे जाके, ठीक है। उसमें ध्यान रखना दोनों की वैल्यू अलग अलग आई थी, क्यों आई थी, वो फंक्शन एनालिटिक नहीं था। यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक है, इट मीन्स देखिए मैं पहले तो क्या करता हूं, यहां से यहां जाता हूं और यहां से यहां जाता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं मेथड कर रहा हूं, मेथड फर्स्ट इंटीग्रेशन अलोंग माइनस टू प्लस आयोटा से फाइव प्लस थ्री आयोटा जेड क्यू डी जेड बराबर इंटीग्रेशन अलोंग किसके अंदर, इंटीग्रेशन अलोंग एओ जेड क्यू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अलोंग ओबी ओबी जेड क्यू डी जेड। इसको मैं समीकरण देता हूं फर्स्ट। अब मैं पहले निकालता हूं एओ के अंदर फिर ओबी के अंदर। अब देखिए पहले मान लीजिए आपके पास में इंटीग्रेशन अलोंग ओ ए जेड क्यू डी जेड। अब बात सुनिए ओ ए के अंदर जाएंगे तो ओ ए के अंदर आपके पास में देखिए वाई का मान क्या है वन, इंप्लाइज दैट डी वाई का मान जीरो, और इधर एक्स का मान क्या है फाइव, इंप्लाइज दैट डी एक्स का मान जीरो, ठीक है। तो इसमें y का मान 1 आ गया तो क्या आएगा, लिमिट किसकी लगेगी x, x चेंज कहां से कहां हुआ है माइनस टू से 5, तो ये हो गया माइनस टू से 5। अब z क्यू तो z क्या होता है x प्लस आयोटा y, ये मैं पहले कहीं बता चुका हूं, तो x प्लस आयोटा y, तो
एक्स प्लस आयोटा और वाई का मान वन हो गया, तो एक्स प्लस आयोटा की पावर थ्री इंटू डी एक्स और डी वाई का मान जीरो है, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब मेरी बात सुनो, ये आई, अब इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा देखिए, या कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन सीधा कर सकते हैं, ध्यान रखना एक्स प्लस आयोटा की पावर फोर अपॉन फोर और एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ, तो ये हो गया फाइव से माइनस टू, तो ये आपके पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। देखिए वन बाई फोर एक्स का मान रखेंगे तो फाइव प्लस आयोटा की पावर फोर माइनस माइनस टू प्लस आयोटा की पावर फोर, इसको मैं समीकरण देता हूं दो, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसको करता हूं इंटीग्रेशन अलोंग ओबी, तो ओबी के अनुसार आपके पास में जेड क्यू डी जेड का मान होगा वो क्या आएगा भाई, अब देखिए ओबी ओबी के अनुसार एक्स का मान फाइव है तो डी एक्स का मान जीरो, तो अब देखिए डी जेड का मान क्या आएगा आयोटा डी वाई और इधर आपके पास में डी जेड का मान था डी एक्स, ठीक है। तो मैं डी जेड की जगह डी एक्स किया था, अब लिमिट क्या लगेगी वाई की, वाई की लिमिट वन से थ्री, ये हो गया वन से थ्री, एक्स का मान फाइव है तो यहां पर मैं लिखता हूं देखिए एक्स का मान फाइव प्लस आयोटा वाई, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई होता है इसकी पावर थ्री और आयोटा डी वाई क्योंकि डी जेड है, डी जेड की जगह आयोटा डी वाई क्योंकि डी एक्स का मान आपके पास में क्या हो गया जीरो ओबी लाइन के अंदर। अब इसको सॉल्व करूं आयोटा बाहर आ गया, फाइव प्लस आयोटा वाई पावर फोर, अब देखिए वाई के हिसाब से कॉमन कॉन्स्टेंट क्या है आयोटा, तो आयोटा बाहर आ जाएगा आपके पास में फोर आयोटा, ठीक है। लिमिट आएगी वन से थ्री, इसमें आपके पास में एक्स का कोफिशिएंट वन था, अब आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट तो यहां हो गया वन अपॉन फोर, देखिए फाइव प्लस थ्री आयोटा, फाइव प्लस वाई का मान रखूंगा तो वाई का मान थ्री की पावर फोर माइनस का यहां रखूंगा मैं, तो ये हो गया फाइव प्लस आयोटा की पावर फोर, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं समीकरण देता हूं तीन, तो देयर को समीकरण वन इंप्लाइज दैट, तो अब मैं यहां पर करता हूं देयर को वन इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन आवर क्या हो गया भाई माइनस टू प्लस आयोटा से फाइव प्लस थ्री आयोटा जेड क्यू डी जेड बराबर, पहले इस इंटीग्रेशन का मान, इस इंटीग्रेशन का मान कहां है आपके पास में ये रहा ये वन अपॉन फोर, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है तो अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास में क्या आ रहा है फाइव प्लस आयोटा की पावर फोर, फाइव प्लस आयोटा की पावर फोर माइनस माइनस टू प्लस आयोटा की पावर फोर और प्लस इधर क्या आएगा फाइव प्लस थ्री आयोटा की पावर फोर, तो ये हो गया फाइव प्लस थ्री आयोटा की पावर फोर और माइनस फाइव प्लस आयोटा की पावर फोर, ये तो है। अब देखिए फाइव प्लस आयोटा से फाइव आयोटा कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपके पास में इंटीग्रेशन आवर माइनस टू प्लस आयोटा से फाइव प्लस थ्री आयोटा जेड क्यू डी जेड का मान एक बट्टा चार और यहां आ गया देखिए फाइव प्लस थ्री आयोटा की पावर फोर माइनस माइनस टू प्लस आयोटा की पावर फोर, इसको मैं समीकरण देता हूं समीकरण नंबर चार, इसको यहां तक ही सॉल्व करूंगा और आगे यदि आप सॉल्व करने चाहो, यदि आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया हो यहां तक ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर का फॉर्मूला लगाते हो तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में, देखिए इंटीग्रेशन आवर माइनस टू प्लस आयोटा से फाइव प्लस थ्री आयोटा जेड क्यू डी जेड और इसका मान आपके पास में आएगा एक बट्टे चार और इसको ओपन करोगे तो देखिए मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि अपन चार बार ओपन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो ये आप निकाल लेना, ठीक है। आपको दे रहा हूं, मैंने आपको निकाल के मैं बता देता हूं इसकी वैल्यू आएगी माइनस का सिक्स थ्री सेवन प्लस नाइन एट फोर आयोटा, ये इसकी आपके पास में वैल्यू आएगी, ठीक है, हाँ यही वैल्यू आएगी। तो इसको मैं समीकरण दे देता हूं समीकरण नंबर चार या पांच,
ये कहो या ये कहो, आपके पास चलो चार ही दे देते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर चार। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहां से कहां गया, पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। अब की बार मैं क्या करता हूं, स्ट्रेट लाइन ए बी लेता हूं, सीधा ए से बी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए मैं मेथड कर रहा हूं सेकंड। तो देखिए मेथड सेकंड अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो मेथड सेकंड इंटीग्रेशन आवर माइनस टू प्लस आयोटा से फाइव प्लस थ्री आयोटा जेड क्यूब डी जेड बराबर क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन आवर माइनस टू कॉमा वन से इंटीग्रेशन आवर फाइव कॉमा थ्री, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर थ्री और ये हो गया डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब मेरी बात सुनिए, इसके अंत सीधा गया, लेकिन अब यहां यहां तो मुझे x गायब करना है या y गायब करना है, और इसमें दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, इसमें तो y का मान कांस्टेंट था, इसमें x का मान कांस्टेंट था, तो ये dx और dy जीरो हो गए। अब इसमें तो x भी परिवर्तन हो रहा है माइनस टू से फाइव तक और y भी परिवर्तन हो रहा है वन से थ्री तक, तो अपन कैसे x या y को a को गायब करेंगे, पहले सरल रेखा का समीकरण निकालेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन करवा रखे फिर भी एक बार करवा देता हूं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होता है, देखिए वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब वाई माइनस वाई वन लाइन कौन सी, ये है, तो ये पॉइंट कौन से हो गए एक्स वन वाई वन और ये हो गया आपके पास में एक्स टू वाई टू। तो वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन क्या है वन, तो ये हो गया देखिए y माइनस वन बराबर y2, y2 है थ्री, तो थ्री माइनस वन अपॉन x2, x2 है फाइव और x1, x1 है माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू इंटू x माइनस x1, x1 है टू, तो ये हो गया आपके पास में x प्लस टू। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए मेरे पास इक्वेशन आएगी y बराबर तीन में से क्या दो, दो बटे सात इंटू एक्स प्लस टू और प्लस का वन, ठीक है। और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो वाई बराबर आ गया दो बटे सात एक्स प्लस चार बटे सात और ये ग्यारह बटे सात, ये सात रेखा का समीकरण आ गया। अब मैं वाई या एक्स को इलिमिनेट कर सकता हूं, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहां से साफ कर देता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब बात सुनो, अब मैं वैल्यू रख सकता हूं, तो देखिए सिंस y बराबर आ गया 2 by 7x plus 11 बटे 7, अरे भाई 11 बटे 7 ही आएंगे ना, 2 दूनी 4 बटे 7 plus 1, तो 4 और 7 11 बटे 7 सही है। तो imply that dy का मान क्या होगा भाई, 2 by 7 into dx होगा नहीं होगा, मैं dy को y x में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखिए मेरे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, देयरफॉर इंटीग्रेशन आवर माइनस टू प्लस आयोटा से फाइव प्लस थ्री आयोटा जेड क्यू डी जेड, या लिख लेना सेकंड मेथड है आपके पास में अलोंग लाइन ए बी, अलोंग लाइन ए बी। और पिछली बार अपन पहले ए से ओ गया फिर ओ से बी गया, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, y को x में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो x की लिमिट लगेगी और यदि मैं x को y में कन्वर्ट करूंगा तो y की लिमिट लगेगी। तो मैं x की लिमिट लगाता हूं, तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस टू से फाइव, माइनस टू से फाइव। अब मेरी बात सुनो क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, तो x को x रहने दें, आयोटा और y, y का मान क्या है भाई, देखिए दो बटे सात एक्स प्लस ग्यारह बटे सात, ठीक है, ये हो गया। और इसकी पावर कितनी हो गई थ्री, और dx प्लस आयोटा dy, dy की जगह टू बाई सेवन इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं dx कॉमन ले लेता हूं तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, वन प्लस टू बाई सेवन आयोटा बाहर आ गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन आपके पास देखिए माइनस टू से फाइव, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए x को कॉमन लेता हूं, तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट 1
टू बाई सेवन आयोटा इंटू एक्स और प्लस 11 बटे 7 इंटू आयोटा, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया इसकी पावर आपके पास में 3 इंटू डी एक्स। अब इसको करेंगे, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस 2 बाई 7 आयोटा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया आपके पास में देखिए 1 प्लस 2 बाई 7 आयोटा इंटू एक्स प्लस 11 बटे 7 आयोटा इसकी पावर 4 ठीक है अपॉन इसकी पावर 4 तो हो गई अपॉन क्या आएगा 4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस 2 बाई 7 इंटू आयोटा ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्योंकि पूरा ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा ए एक्स प्लस बी का क्या होता है ए एक्स प्लस बी का और स्क्वायर अपॉन ए ए क्या है 1 प्लस 2 बाई 7 आयोटा और 4 आ गया ये अपन चार बार किया था क्योंकि पावर 3 थी। अब देखिए इसकी लिमिट क्या है माइनस ये तो इसकी पावर 4 है अब इसकी जो लिमिट है वो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी भाई माइनस 2 से 5 तक। अब देखिए 1 प्लस 2 आयोटा 7 से 2 आयोटा 7 कैंसिल आउट अब वैल्यू बस गई 1 अपॉन 4 ये रहेगा आपके पास है 1 प्लस 2 बाई 7 आयोटा इंटू एक्स का मान 5 प्लस 11 बटे 7 आयोटा एक तो वैल्यू ये आई है माइनस का रहेगा 1 प्लस 2 बाई 7 आयोटा इंटू माइनस का 2 और प्लस का 11 बाई 7 आयोटा ठीक है। अरे भाई यहाँ माइनस 2 लग गया और यहाँ एक बार 5 लग गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो 1 बाई 4 यहाँ पास में इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया भाई 5 प्लस 10 आयोटा देखिए 5 दूनी 10 आयोटा बट्टे 7 और 11 आयोटा बट्टे 7 तो 21 आयोटा बट्टे 7 ये हो गया 21 आयोटा बट्टे 7 माइनस का ये आपके पास इसको अलग लिख लेते हैं और इसको क्या लिखेंगे ये देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 बट्टे 7 और 11 बट्टे 7 तो देखिए यहां मैं लिख लेता हूं माइनस का 4 आयोटा बट्टे 7 और प्लस के 11 बटे 7 आयोटा तो ये कितना 7 आयोटा बटे 7 रह गया तो ये रह गया आपके पास है 1। अब मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो 1 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 7 का भाग 21 में 3 आयोटा। अब अरे यार एक गड़बड़ कर रहे हैं अपन इसकी पावर 4 थी इसकी भी पावर 4 और इसकी भी पावर 4 ठीक है तो ये इसकी भी पावर 4 और इसकी भी पावर 4 इसकी पावर 4 माइनस माइनस 2 प्लस आयोटा की पावर 4 तो क्या ये आपके पास में आया था 1 बाई 4 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 माइनस 2 प्लस आयोटा की पावर 4 तो ये एग्जैक्ट है आपके पास में कौन सा जो आपके पास में ये समीकरण ये आया था ठीक है तो दोनों से बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैंने क्या कहा था जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो ये अपने पथ से स्वतंत्र होता है इसकी इंटीग्रेशन की अपन वैल्यू निकाले चाहे किसी भी पथ के अनुदिश निकाले यहां से डायरेक्ट जाए या फिर यहां से यहां जाकर यहां जाए दोनों पथ के अनुदिश इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी लेकिन ध्यान रहे यदि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो दोनों की अलग अलग आएगी और आपको यदि अलग अलग पार्ट में पूछा जाए तो ऐसे करना है और यदि सीधा ऐसे क्वेश्चन दे दिया और फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो आपको इसी लाइन के अनुदिश निकालना इसके अनुदिश नहीं जाना ठीक है। तो ये तो था आपके पास में ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है या लिख लेना लिख के आपके पास ठीक है कि पथ से स्वतंत्र है लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना है एग्जाम में आप किसी भी एक मेथड से करो या आप इधर जाओ या इधर से इधर जाओ मैंने आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बताया है। अब अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर डी जेड का मान एक वर्ग के अनुदिश ज्ञात करना है जिसका शीर्ष ये है। अब शीर्ष ये है तो आपको सेम पता है कि स्क्वायर क्या बनेगा एक ऐसा स्क्वायर बनेगा 0 0 1 0 1 1 और 0 1 ये एक स्क्वायर बनेगा ठीक है। अब पथ कौन सा हो गया ये पथ हो गया ये 0 0 1 0 1 1 और
0 और 1, यहां पर x का मान, सॉरी यहां पर y का मान 0, यहां पर x का मान 1, यहां पर y का मान 1, यहां पर x का मान 0, तो यहां पर dy 0, यहां पर dx 0, यहां पर dy 0 और यहां पर वापस dx 0। तो अब चार y कैंसिल, जो मैंने पहला मेथड बताया था, इंटीग्रेशन निकाल देना और ऐड कर देना। हालांकि मैं ऐसे स्क्वायर के दो क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो ये तो थे आपके पास में आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनडिफिनिट इंटीग्रल और कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। अभी तक अपन कोशी इंटीग्रल थ्योरम को पढ़ रहे थे, अब अपन कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे।